पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की एक शिक्षिका के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ की शिकार शिक्षिका शिकायत लेकर थाने गई। शिक्षिका का आरोप है कि थाने में इंस्पेक्टर ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। छेड़छाड़ करने वाले पर एक्शन के बजाय उल्टा उसी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई कर दी। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में लाइन पार इलाके में रहने वाली एक युवती बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन देती है। युवती ने बताया कि 7 नवंबर को उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने उसके साथ अश्लील हरकतें की थी। वो शिकायत लेकर थाने गई तो उसे चौकी पर जाने को कहा। चौकी पहुंची तो दरोगा ने कहा रिपोर्ट चौकी पर नहीं थाने पर होती है। इसी तरह युवती को थाने चौकी के चक्कर लगवाए जाते रहे, फिर दबाव बनाकर समझौता करा दिया। युवती ने बताया कि पुलिस के एक्शन नहीं लेने से आरोपी का दुस्साहस बढ़ता गया। 15 नवंबर को उसने रास्ते में रोककर सरेआम उसके साथ बदतमीजी की। पीड़िता का कहना है कि जब वो शिकायत लेकर थाने गई तो इंस्पेक्टर धनंजय सिंह भड़क गए। बोले, रोज रोज पुलिस का टाइम खराब करने आ जाती हो, समझौता कर लो नहीं तो उल्टा तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। शिक्षिका का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उन्हें अपशब्द कहे और थाने से भगा दिया। युवती का कहना है कि 7 दिसंबर को उसके मोबाइल पर ACM कोर्ट से मैसेज आया। इसमें लिखा था कि मझोला पुलिस ने उसके खिलाफ शांति भंग की आशंका में चालानी रिपोर्ट भेजी है, उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा। युवती का कहना है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई और पुलिस ने उल्टा उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। युवती के मुताबिक वो इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर ने कहा कि ये हमारी बात नहीं मानने का खामियाजा है। मेरे साथ छेड़खानी, बदतमीजी, गाली गलौज हुई मेरे मोहल्ले में 7 नवंबर को। उसकी जानकारी मैंने थाना मझोला धनंजय जी को दी, मगर मुझे थाने से चौकी और चौकी से थाने भेजा गया। मेरी कोई भी कंप्लेंट उन्होंने दर्ज नहीं की और मैंने पूरी घटना छेड़खानी की पूरी घटना थाना मझोला को बताई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। उसके बाद 15 नवंबर को दोबारा से उस आदमी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, गंदी गंदी गालियां दी मुझे और मेरी मम्मी को। उसके बाद मैं दोबारा थाना मझोला गई मुकदमा दर्ज करवाने, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई वहां पर नहीं हुई। उन्होंने मेरे से कहा कि दरोगा जी के पास जाओ अपने क्षेत्र के। मैं वहां गई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एप्लीकेशन आप दे, यहाँ पे कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता, मुकदमा थाने में दर्ज होता है। तो मैं दोबारा थाने गई, मैंने रात के 10-10 11-11 बजे तक चक्कर काटे, मगर मेरी कोई भी सुनवाई वहां नहीं हुई है। उसके बाद मुझे और उल्टा वहां पर धमकाया और डराया गया, और धनंजय जी ने बहुत गलत और अभद्र भाषा का मेरे साथ प्रयोग किया। जो कि पीड़िता है उसी के साथ अगर ऐसा करेंगे तो पीड़िता क्या करेगी। उसके बाद इन्होंने मेरे पर दबाव बनाया कि आप मुकदमा ना करें और अगर आप मुकदमा करेंगी तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे। इस वजह से मुझे डराया धमकाया। मेरे घर वालों ने मेरे से कहा कि कोई बात नहीं, मुकदमा मत करो, कल को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। इस वजह से मेरे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर और धमका कर, जो उन्होंने कहा कि आप समझौता कर लीजिए, तो मैंने समझौते के लिए राजी हो गई और मैंने समझौता कर लिया। उसके बाद उल्टी कार्रवाई उन्होंने मेरे साथ कर दी, मेरे समझौता करने के बावजूद भी। तो अगर पीड़िता के साथ ही ऐसी चीजें होंगी, वो भी BJP सरकार में, तो पीड़िता क्या करेगी, और वो भी एक लड़की के साथ में। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए, और मैं परेशान हो गई हूँ भागते भागते। उसके बाद मेरे पे कार्रवाई हुई, मेरे पास मैसेज आया, मैंने मैसेज पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसमें 7 दिसंबर को मेरे पर तारीख मेरे को मिली, लेकिन वो मैसेज मैंने 7 तारीख के बाद देखा। और जब मैंने वो 7 तारीख के बाद देखा तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का मैसेज है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी तो मैंने किसी वकील से बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा ये आपके ऊपर धाराएं लगी हैं 116 की और 151 की। तो उन्होंने कहा ये आप जाइए और ये थाना मझोला से पता कीजिए जाके। तो मैं दोबारा गई उनके पास, मैं 25 दिसंबर को गई उनके पास, तब उन्होंने मेरे को वहाँ पे वो मिले नहीं। 2 घंटे मैंने उनका वहाँ इंतजार किया। वहाँ पे सभी लोगों ने मेरे से पूछा कि आप क्यों बैठी हो यहाँ पर,
उन्होंने कहा कि सर अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। मैंने धनंजय जी को कॉल भी की कि सर आपसे मुझे मिलना है, मुझे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में, लेकिन उसके बाद भी वो 1.5 से 2 घंटे बाद आए। उसके बाद मैंने उन्हें मैसेज दिखाया, उन्होंने कहा ऐसा है मेरा काम है, मुझे मत सिखाओ, यहाँ पर नेतागर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नगर आयुक्त की तरफ से आपके पास मैसेज आया है, जाओ वकील करो, अदालतों में जाओ, चक्कर लगाओ। जब हमारे हमने तुमसे कहा था तुमने हमारी नहीं मानी, अब तुम कुछ ही करो, हमने तुम मुकदमा कर दिया है, इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने एक प्रार्थना पत्र SSP साहब को दिया और उन्होंने वो ASP साहब को फॉरवर्ड करने के लिए मेरे से कहा था। अब मैं एक लड़की हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, कहाँ कहाँ नहीं जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ कि इस स्थिति में क्या करूँ मैं, तो इस वजह से मैं सामने भी नहीं आना चाह रही हूँ। तो इतना मैं भागी हूँ दौड़ी हूँ, मेरे साथ जाने वाला भी कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। तो अगर ऐसा यूपी गवर्नमेंट में BJP सरकार में मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो कैसे लड़कियां सुरक्षित हैं। पब्लिक TV आपकी आवाज़।